लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। समाज को एक मिसाल देते हुए ओडिशा के एक टीचर ने अपनी शादी में दहेज के तौर पर 1001 पौधे मांगे हैं। इन पौधों को उन्होंने लोगों को बांटे और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया। अपनी शादी में इस तरह की मांग करके 33 साल के सरोजकांत बिस्वाल ने सभी का दिल जीत लिया है। सरोजकांत ओडिशा के केंद्रपाल जिले के रहने वाले हैं। सरोजकांत केंद्रपाल के जगन्नाथ विद्यापीठ के एक स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं। उन्होंने रश्मिरेखा नाम की एक लड़की से शादी की जो खुद भी एक टीचर हैं। सरोजकांत के ससुराल वालों का कहना है कि उनकी ऐसी मांग से पहले तो वो हैरान हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व है। इस बारे में सरोजकांत का कहना है कि उन्होंने खुद से ये वादा किया है कि वो कभी दहेज नहीं लेंगे। साथ ही वो बचपन से ही प्रकृति प्रेमी हैं। जब उनके ससुर ने उनसे कहा कि वो दहेज जरूर देंगे तो सरोजकांत ने बदले में 1001 पौधे मांगे। 21 जून को शादी से एक दिन पहले उनके ससुर ने घर पर 1001 पौधे भेजवाए, जिनमें से 700 पौधे आम और बकुल के थे। उन्होंने वो पौधे शादी में आने वाले लोगों को दिए थे। शादी को इको फ्रेंडली बनाने के लिए उन्होंने शादी में डीजे भी नहीं बजवाए थे, जिससे शादी में किसी तरह का कोई शोर या हलाना हो और शादी सिंपल तरीके से संपन्न हो। शादी के लिए जब सरोजकांत बेल्लाना पहुंचे तो वहां भी उन्होंने कोई शोर नहीं किया, ना ही पटाखे जलाए, ना ही कोई बैंड बाजा बजवाया।